हेलो दोस्तों, द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे स्लैब की स्टील के बारे में, स्लैब की स्टील और उसकी क्लियर कवर कितनी रखी गई है। तो आपको पहले बता दें कवर, ये आपकी जो सफ़ेद दिख रही है ये गोल मतलब सर्कल, ये आपकी 25 mm की है कवर, ठीक। डेप्थ इसका थिकनेस 25 की है, ठीक। ये आपकी पहले देख लीजिए, ये बीम है आपकी, ये आपकी ये स्लैब की स्टील जा रही है, ये स्लैब की स्टील अल्टरनेट बेंड अप हुआ है, ठीक। देख लीजिए, ये बेंड अप, फिर सीधी, फिर बेंड अप, फिर स्ट्रेट और फिर बेंड अप। तो हमारे बेंड अप यहाँ पे L/7 पर किया गया है, मतलब हमारी स्पान है 4.25 है इफेक्टिव लेंथ। तो क्लियर स्पान हम क्लियर स्पान L/7 लेके यहाँ पे हमने कटिंग लेंथ निकाली है। तो हमारी ये जो बेंटअप होगा वो L/7 मतलब 2 फुट, यहाँ पे 2 फुट रखी गई है, मतलब 600 mm। ये अब 600 mm पे अल्टरनेट बेंटअप हुआ है हमारा दोनों साइड। ये हमारी बीम का जो कवर है, जो साइड कवर दिया गया है 40 mm का कैप छोड़ा गया है। ये बीम की साइज 300x750 की है, तो दोनों साइड इधर 40 की गैप, इधर 40 की गैप छोड़ा गया है। जो ये स्लैब की जो स्टील है टॉप की, जो स्पेसिंग है 6 इंच का है, मतलब 150 mm, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए, ये ज़्यादा डिस्टेंस दे दिया है, ये गलत बात है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। हाँ हेलो, ये आपकी जो दिख रही है नीचे बॉटम में, जो बॉटम वाली है मेरा मेन रेनफोर्समेंट है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर रेनफोर्समेंट है, ठीक। ये टॉप में जो बात दिख रही है ये आपको ऊपर मतलब 2 फीट में दिया गया है, 6 इंच की गैप पे, ठीक। ये जो टॉप में जो बार है ये बस ऊपर दी गई है, मतलब L/7 ही एरिया में चारों तरफ आप देख सकते हैं, इस वाली लेंथ में देख सकते हैं। और जो बीच की जो स्टील है वो नीचे जो बॉटम दिख रही है मेन एनफोर्समेंट, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बार, उन लोग की स्पेसिंग भी 6 इंच है, 6 इंच मतलब 150 mm। और ये देखिए, आपको सफ़ेद पाइप दिख रही है, वो इलेक्ट्रिक पाइप है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है स्लैब में, पाइप डाली गई है स्लैब में, ऐसे डाला जाता है पाइप आपको, देख लीजिए स्लैब हमारी कितनी लंबी है। वो उधर जो एक बंदा बैठा हुआ है ना, वो पैरापिट हमारा यहाँ RCC पैरापिट है, वो स्टील बांध रहा है वो पैरापिट के लिए, ठीक। वो उसके हाथ में बाइंडिंग वायर है,